नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवक के साथ कथित गैंगरेप फिर हत्या के मामले को लेकर आलोचना का सामना कर रही यूपी पुलिस ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के आरोप में प्रदेश के 8 शहरों में 19 FIR दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने के बदले 50 लाख रुपए की पेशकी किए जाने की बात भी सामने आई है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ एक पत्रकार और एक नेता के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता के मौत हो जाने के बाद के घटनाक्रमों से प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। जल्दबाजी में देर रात 2:30 बजे पीड़िता के अंतिम संस्कार और फिर मीडिया तथा विपक्ष की एंट्री बंद करने से मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। ADG प्रशांत कुमार ने कहा, पूर्व नियोजित साजिश के तहत कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने आम लोगों को भड़काने का काम भी किया है। हमने इनमें से कुछ की पहचान कर उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। ADG ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मथुरा, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज और बिजनौर में केस दर्ज किए गए हैं। ADG ने बताया कि पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने का दबाव भी बनाया गया था और उन्हें 50 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था। इसके साथ ही पीड़िता के भाई से ये कहा गया कि वह अपने पिता को मीडिया से बयान देने के लिए मनाएं और साथ ही उनसे ये भी कहा कि वे मीडिया से ये कहें कि वो सरकार की कार्यवाही से खुश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने एक वायरल वीडियो के जरिए माहौल खराब करने वाले पर भी केस दर्ज किया है। ये लोग एक ऑडियो वायरल कर रहे थे जिसमें हाथरस पीड़िता के परिवार पर गलत बयान देने और उसके बदले में 50 लाख रुपए दिए जाने की बात की जा रही थी। इस घटना को लेकर यूपी के साथ ही देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हुए। यूनाइटेड नेशन इंडिया ने कहा था कि हाथरस और बलरामपुर में कथित गैंगरेप और मर्डर की घटना दर्शाती है कि सुविधाहीन सामाजिक समूह पर लिंग आधारित हिंसा का खतरा अधिक है। हालांकि भारत ने इसे बाहरी एजेंसी की गैर जरूरी टिप्पणी करार दिया था। अब अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से छाया रहेगा। प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी करीबन 20% है। वोट बैंक के लिहाज से उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज़, ऐसी ताज़ा तमाम खबरों के लिए नमस्कार।